बागेश्वर पीठाधीश्वर बागेश्वर सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, अब सिर्फ बजरंग बली की चलेगी, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। छतरपुर के बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शारदीय नवरात्रि की 9 दिन की उपासना पूर्ण हो गई। साधना पूर्ण होने के दूसरे दिन धाम पर दिव्य दरबार लगाया गया। दरबार के दौरान बागेश्वर सरकार ने कहा कि अब भारत की गली गली में केवल बजरंग बली की चलेगी, अगर तुम राम के नहीं तो किसी काम के नहीं। उन्होंने कहा कि हमने 9 दिनों में तैयारी कर ली है, अब भारत में जात पात ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव को मिटाना है। सरनेम तो सबके रहेंगे लेकिन अब सरकार को 2 जातियाँ बनानी चाहिए, एक अमीरी की और एक गरीबी की, ताकि भारत का विकास हो, भारत समृद्ध हो, ताकि गरीबों के साथ अन्याय और अत्याचार ना हो। भारत में वर्तमान में हो रहे अंधविश्वास को इसी बल पर रोका जा सकता है। कोई भी सरकार काम खुद नहीं करेगी, अब तो मैं खुद सरकार बनना पड़ेगा। केवल बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएंगे, अब भारत के प्रत्येक युवा भाई बहन को बागेश्वर बाबा बनना पड़ेगा, तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। हमने तैयारी कर ली है कि अगर तुम राम के नहीं तो सच में किसी काम के नहीं। हमने भारत में तैयारी कर ली है, सरनेम तो सबके रहेंगे पर सरकार को 2 जातियां बनानी चाहिए। अगर जाति बनाने का शौक है सरकार को तो 2 जातियां बना दी जाए, एक अमीर की एक गरीब की। केवल बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएंगे, अब भारत के हर युवान भाई बहन को बागेश्वर बाबा बनना पड़ेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।